वक्त हमेशा एक सा नहीं होता। यह कहानी एक खूबसूरत औरत की है जिसका नाम प्रभु देवी था। वह एक स्कूल की प्राइमरी टीचर थी। यह बात 1960 के वक्त की है जब देश में छुआछूत पूरी तरह से छाया हुआ था। प्रभा देवी स्कूल पढ़ाने जाती थी लेकिन उस स्कूल में आए बच्चे को हाथ नहीं लगाती थी। यहाँ तक कि बच्चे को सख्त हृदय थी कि वह मैडम से एक फीट दूर से बात करे, उसके किताब तक को हाथ नहीं लगाती थी। स्कूल के अलावा उसके घर में भी कुछ इसी तरह के नियम थे। साथ ही वह बहुत सुंदर थी और उन्हें सुंदर दिखने वाली महिलाओं से दोस्ती करना पसंद था। साफ सफाई से रहना प्रभु देवी को बहुत पसंद था। वह बिस्तर पर एक सल भी देखना पसंद नहीं करती थी। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे को भी वो प्यार बहुत करती, उन्हें तोहफा भी देती, खाने को अच्छे अच्छे चीज भी देती, दिल से दुआ भी देती, पर उन्हें कभी अपने गोद में नहीं बैठाती और न कभी अपने बेड पर, क्योंकि उन्हें हमेशा बच्चे के गंदी कर देने की डर होता था। वक्त बीत गया। जब प्रभा देवी की उम्र 70 वर्ष हुई, उसके पास उनकी बेटी रहती थी। अब प्रभा देवी को एक बहुत बुरी बीमारी हो गई थी, न वो चल सकती थी न किसी के सहारे बिना एक करवट बदल सकती थी, और उसका शरीर दुर्लभ हो गया था जिसे देखकर कोई भी डर जाए। उसकी बेटी उसकी पूरी सेवा करती, पर भी कई बार प्रभा देवी कई घंटों तक गंदगी में पड़े रहती थी। जिन नौकरी से प्रभा देवी अपने आप को दूर रखती थी, आज वह उसके सहारे के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। प्रभा देवी दिल से बुरी नहीं थी, पर जीवन में जिन बातों को लेकर वह सबसे ज़्यादा चिढ़ती और अनजाने में ही सही पर दूसरे का दिल दुखाती थी, बुढ़ापे में उन्हें इन बातों को जीना पड़ा। शिक्षा। वक्त कभी एक समान नहीं रहता। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन अपने व्यवहार को इस तरह रखें कि कभी वक्त के आगे आपको झुकना न पड़े। कहते हैं इंसान जिस चीज़ से भागता है उसे उसका सामना करना पड़ता है, इसीलिए कभी किसी चीज़ से घृणा न पाले। और शारीरिक सुंदरता कभी नहीं टिकती, न उस पर अभिमान करना चाहिए और न ही किसी को उसकी रूप में कोसना चाहिए। यह कहानी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।